सिविल अस्पताल स्थित कोरोना ओपीडी में लोग जांच कराने पहुंचे। विभाग ने 10 लोगों के स्वाब सैंपल लैब में भेजे हैं। अभी तक 5 पॉजिटिव, 283 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव मिल चुकी है। पॉजिटिव केसों में 4 स्वस्थ हैं, घरों में क्वारंटीन हैं। जिला करनाल के गांव रसूलपुर का निवासी आइसोलेशन वार्ड में उपचाराधीन है। सिविल सर्जन डॉक्टर संतलाल वर्मा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस से संबंधित कुल 302 सैंपल लिए गए हैं। इनमें से 283 की रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त हुई है, 15 रिपोर्ट्स का परिणाम प्राप्त नहीं हुआ है। अभी तक 292 केसेस के सैंपल्स लिए जा चुके हैं, जिसमें 243 केस की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, 45 की बाकी है अभी, और कुल 4 जो है जो पॉजिटिव अब तक हो चुके हैं। रिपोर्ट तो 24 घंटे से 48 घंटे के बीच में आ जाती है, लेकिन जो पॉजिटिव केस होता है शायद उसमें कभी कभी एक आधा दिन फालतू लग सकता है। होम अंडर क्वारंटीन के तहत 678 घरों के बाहर नोटिस चिपकाए गए हैं। 483 घरों में 2438 लोगों को क्वारंटीन में रखा है। सिविल अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में कुल 8 लोग भर्ती हैं। सिविल सर्जन के मुताबिक स्वस्थ होकर घरों में क्वारंटीन लोगों के स्वास्थ्य पर भी नजर रखी जा रही है। किसी को कोई दिक्कत आती है तो रिस्क नहीं लेंगे, उसे अस्पताल में एडमिट करेंगे और सैंपल भी भेजेंगे। वही डीसी हेमा शर्मा ने आमजन से अपील की है कि कोरोना ट्रैकिंग के लिए सभी आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। यह एक सरकारी ऐप है और कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे और जोखिम का आलंकन करने में मदद करता है। इसे एंड्रॉयड और आईफोन दोनों तरह के स्मार्टफोन पर डाउनलोड किया जा सकता है। यह एक खास तरह का ऐप है जो आसपास मौजूद कोरोना पॉजिटिव लोगों के बारे में पता लगाने में मदद करता है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में भी इसे लोगों से डाउनलोड करने की अपील की है। इस ऐप में अपना मोबाइल नंबर भी रजिस्टर करना पड़ता है। इसे ज्यादा से ज्यादा डाउनलोड करें ताकि यह ऐप कोरोना वायरस के विरुद्ध लड़ाई लड़ने में कारगर सिद्ध हो। रिपोर्ट सिटी तहलका।